तो बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर यूपी बिहार में अग्निपथ पर जमकर बवाल हो रहा है। और ये देखिए 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर अग्निपथ योजना का जोरदार विरोध हो रहा है। तो देखिए बुलंदशहर, गोंडा, उन्नाव, फिरोजाबाद, आगरा, बरेली, ये वो जगह है जहां पर अग्निपथ योजना का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। तो देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरह से विरोध हो रहा है। सेना में भर्ती होने के लिए अग्निपथ योजना का बहुत बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। बलिया, हाथरस, अलीगढ़, मेरठ, औरैया, बिजनौर में बड़ी संख्या में सेना के लिए तैयारी करने वाले युवा सड़कों पर किस तरह से उतरे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है तमाम जो युवा है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं सरकार के इस अग्निपथ योजना का लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेना में भर्ती के नए नियम को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी बिहार से लेकर हरियाणा तक बड़े व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है और हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें ये देखिए पहले तस्वीर पलवल हरियाणा से आपको दिखाते हैं जहां पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि लगातार तमाम तो जो युवा है सैकड़ों युवा छात्रों ने प्रदर्शन किया है उसके बाद फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं ये पुलिसकर्मी। हरियाणा के पलवल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए यूपी से हरियाणा बिहार तक इस तरह से ये लगातार जो अग्निपथ योजना है उसका विरोध देखने को मिल रहा है। हरियाणा के पलवल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पुलिस जो है वो फायरिंग करते हुए नजर आ रही है क्योंकि लगातार जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर 2 तस्वीरें आपको हरियाणा से दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक तस्वीर में आपको दिख रहा है कि किस तरह से पुलिसकर्मी फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ किस तरह से छात्रों में युवाओं में आक्रोश दिख रहा है अग्निपथ योजना को लेकर और उसी वजह से देखिए ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा उग्र हो गया है और लगातार आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। तीसरी ट्रेन में देखिए किस तरह से आग लगा दी गई है। गोपालगंज बिहार से ये तस्वीर जहां पर ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई और धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है ट्रेन की बोगी। देखिए काला धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें जो है वो आज देश और अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध जो है वो हो रहा है। देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वो तमाम युवा जो पिछले कई सालों से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे उनका गुस्सा फूट पड़ा है। तो अग्निपथ योजना का पूरे बिहार में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। युवा और छात्र सड़कों पर उतरकर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बक्सर से लेकर मुंगेर तक और सहरसा से लेकर नवादा तक में हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों के निशाने पर भारतीय रेल भी आ गई है। कई जगहों पर यात्री ट्रेनों में भी आग लगाने की घटनाएं सामने आई है। छात्र एवं युवा रेलवे पटरियों और नेशनल हाईवे पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से ट्रेन में आग लगा दी गई है क्योंकि ये देखिए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके चलते इस ट्रेन में आग लगा दी गई है। तो विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और देखिए किस तरह से ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया और कई जो सवारी ट्रेन है उनको भी देखिए रोकना पड़ा है क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा था जिसकी वजह से कई सवारी गाड़ियों को ट्रेनों को रोका गया है। प्रदर्शनकारियों ने देखिए ट्रेन में किस तरह से आग लगाई तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के गोपालगंज। तो बिहार के मोतिहारी में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से
अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। युवाओं ने कई ट्रेनों को रोक दिया, रेलवे लाइनों के किनारे हंगामा करने लगे, इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके साथ ही कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। देखिए मोतिहारी बिहार से ये तस्वीर सामने आ रही है, आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं रेलवे ट्रैक पर। तमाम जो युवा है प्रदर्शन करते हुए नजर आया पुलिस ने, हालांकि उनको खदेड़ भी दिया, लेकिन देखिए सैकड़ों जो युवा है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है उन युवाओं के द्वारा, उन छात्रों के द्वारा जो लगातार सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन अग्निपथ योजना के आने के बाद ये जो युवा है ये देखिए विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिहार से ही अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर खूब हंगामा देखने को मिला है और पुलिसकर्मियों ने तमाम युवाओं को, छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया है। देखिए ये दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर जहां पर आगजनी हुई है, तीसरी तस्वीर जहां पर ट्रेन में देखिए किस तरह से ट्रेन पर पथराव किया गया है, ट्रेन की जो खिड़कियां हैं उनको तोड़ दिया गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें जो है वो बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है। तो हरियाणा में अग्निपथ योजना का विरोध बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिला है। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई है। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। देखिए तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा से ये तस्वीरें सामने आ रही है। हरियाणा के पलवल में देखिए सड़क पर आगजनी की गई है और वाहनों को आग के हवाले किया गया है। जली हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, तो ये समझ सकते हैं आप किस तरह से जो छात्र हैं वो उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, आगजनी की घटनाएं अलग अलग जो शहर है वहां पर देखने को मिली है, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिली है। लगातार जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और आगजनी की जा रही है। ये तस्वीरें आपको बता रही है कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये देखिए तस्वीरें, वो तमाम प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आके हवाले किया गया है। हरियाणा में जमकर हंगामा देखने को मिला है, सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और वजह है अग्निपथ योजना जो सरकार के द्वारा लाई गई है। और इसी को लेकर ये जो युवा है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा तमाम वादे दावे किए जा रहे हैं और इसके बावजूद भी युवा सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे। देखिए तस्वीरें अलग अलग किस तरह से आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो युवा है सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो अग्निपथ योजना का विरोध बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा हुआ। और देखिए युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। लगातार वही एक ही मांग सरकार से की जा रही है तमाम युवाओं के द्वारा कि इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। और इसी को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं भारी संख्या में छात्र और युवा, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। सेना में भर्ती होने के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं तमाम युवा। राजस्थान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में देखिए जो युवा है वो सड़कों पर इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तमाम युवाओं को जो है वो तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। देखिए राजस्थान से ये तस्वीरें, जहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है सरकार की ये योजना अग्निपथ योजना का। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो
तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में किस तरह से विरोध हो रहा है अग्निपथ योजना का, वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें राजस्थान से, जहां पर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए तमाम जो युवा हैं, सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।